समझेंगे मंजूषा चित्रकला, थंका शैली और टिकुली कला। बिहार के आर्ट और कल्चर में आप ये सब चीजों को पढ़ते हैं, और बिहार के कोई भी एग्जाम में आर्ट और कल्चर से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। आप लोग देख रहे होंगे आने वाले बहुत सारे जो एग्जाम हुए उसमें आर्ट और कल्चर से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इसमें जस्ट लाइक कल हम लोग पढ़े थे, जो लोग नई वीडियो देखे, मधुबनी पेंटिंग के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मधुबनी पेंटिंग का। बहुत सारा ऐसे बिंदु बताए थे जो आप लोग पहली बार सुने होंगे। तो आज हम लोग उसी टाइप से मंजूषा चित्रकला, थंका शैली और टिकुली शैली के बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा ही नहीं होगा, चर्चा के बाद संबंधित प्रश्न अभ्यास भी करेंगे। 10 से 15 प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। तो जल्दी से फटाफट सभी को लाइव आ जाएं और जुड़े रहेंगे। बिल्कुल बिहार के आर्ट कल्चर को हम लोग इस वीक में टारगेट किए हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम लोग करेंगे। तो प्रियंका कुमारी, काजल रावत, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी को लाइव आ जाएं। सेशंस को जितना ज्यादा हो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे, क्योंकि आप ही लोग के ऑन डिमांड में इस तरह के सेशंस आए हैं। हम तो ऑब्जेक्टिव सेशंस करा रहे थे। तो जल्दी से सभी को लाइव आ जाएंगे। बहुत मस्त स्टोरी के साथ हम लोग समझेंगे मंजूषा थंका और टिकुली कला। मंजूषा थंका और कल हम लोग मधुबनी पेंटिंग, मिथिला कला को समझे थे, उसी तरह से आज हम लोग समझेंगे। प्रियंका पांडे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आ जाइए, छोटा सेशंस है, 10 से 15 मिनट हम लोग सेशंस करेंगे, है ना। हाँ, आज थोड़ा सा, ना ही रंजू, आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, इसीलिए। तो चलिए फटाफट जल्दी से सभी को लाइव आ जाए, सेशंस को शेयर कर देंगे जोरदार तरीके से। गुड मॉर्निंग आदिति, गुड मॉर्निंग सभी को, लाइव आ जाएंगे, सेशंस को शेयर कर देंगे। और हम लोग आज मंजूषा चित्रकला को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे तो बहुत दूर तक चलने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते रहो, रास्ता खुलते जाएगा। नमस्कार, मैं चेतन आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज क्या है खास, छोटी दिवाली है, दिवाली सक्सेस वाली होनी चाहिए। तो इसके लिए बायजूस एग्जाम प्रेप लेके आया है 25% का ऑफ ऑनलाइन क्लास प्रोग्राम में। अगर आप बीपीएससी प्री मेन्स, बीपीएससी सीडीपीओ प्री मेन्स की लाइव क्लासेस या मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको लाइट 25 कोड का यूज करना है और यहाँ आप 25% का ऑफ ले सकते हैं। तो आज ही जुड़े बायजूस एग्जाम प्रेप के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है सबसे पहला मंजूषा चित्रकला। तीन बिहार के आर्ट के बारे में बात करेंगे, फिर इनसे संबंधित प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। तो बहुत अच्छा, बहुत रोमांचक सेशन रहने वाला है। आप लोग फटाफट जल्दी से लाइव आ जाएं, सेशंस को एक बार दोस्तों के बीच शेयर कर दें। आरती कुमारी, गुड मॉर्निंग। आरती कुमारी, काजल, नाही रंजू, प्रियंका सभी को सेशंस को थोड़ा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूजा, प्रमोद और सभी को जुड़े रहेंगे। लास्ट में सवाल भी होगा, है ना। आप लोग को समझ में आ जाएगा एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे स्टोरी भी सुनाएंगे, तो जुड़े रहेंगे। देखो, मंजूषा चित्रकला एग्जाम में सवाल कैसे आता है। यह चित्रकला जो है ना, बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिलेगा बिहार में, तो भागलपुर में देखने को मिलेगा। देखो, दो तीन सवाल आता है कि कौन सा जो आर्ट है वो कौन एरिया से है, उसका सब्जेक्ट क्या है ना। तो ये भागलपुर के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। और इसी चित्रकला का अन्य नाम है स्क्रॉल पेंटिंग। स्क्रॉल पेंटिंग कहीं पूछा जाए तो समझना मंजूषा चित्रकला ही है। अंगिका कला, अंगिका मतलब अंग के क्षेत्र में जो कला डेवलप होता है, अंग मतलब भागलपुर के क्षेत्र में जो कला डेवलप होता है उसे अंगिका कला कहा जाता है ना, अंगिका कला कहा जाता है। तो अब एक बार बीपीएससी में सवाल आया था, बिहार की कौन सी ऐसी कला है जो कहानी पे आधारित है, स्टोरी बेस्ड कला कौन सी है। तो आप बोलोगे बिहार की एकमात्र कला जो कहानी पे आधारित है, अभी मैं कहानी भी आप लोग को बता दूंगा, है ना, कहानी पे आधारित है, स्टोरी बेस्ड आर्ट बिहार का है,
वो है मंजूषा चित्रकला। मंजूषा चित्रकला को स्क्रॉल पेंटिंग या अंगिका कला कहा जाता है ना। मंजूषा प्राचीन लोक कथा एक है, लोक कथा पे आधारित है और वो सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां से आप बिहार के पर्व त्योहार वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनोगे। देखो ये मंजूषा कहानी का जो मेन नायिका है ना, उसका नाम है बिहला, है ना। बिहला की शादी है ना। अब देखो मैं थोड़ा सा स्टोरी को समझा दे रहा हूं। भागलपुर के क्षेत्र में ना एक चांद सौदागर नाम के व्यापारी है ना रहता था और भगवान शिव के वो परम भक्त थे, चांद सौदागर है ना। और एक दिन शिव की सर्प कन्या मनसा देवी अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी, हम भी चाहते हैं कि आपके जैसा लोग मुझे भी पूजा करे। तो भगवान शिव कहते हैं कि जाओ, हमारा परम भक्त है चांद सौदागर, अगर उसने तुम्हारा पूजा करना शुरुआत कर दिया तो ये पूरा जग तुम्हारा पूजा करने लगेगा। मनसा माँ चांद सौदागर के पास जाती है और बोलती है, पूजा अपना इच्छा प्रकट करती है। चांद सौदागर मना कर देते हैं, बोलते हैं हमारा इष्ट देव सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव महादेव हैं। मनसा माँ को गुस्सा आता है और वो श्राप दे देती है कि जाओ, तुम्हारा जितने बेटे हैं है ना, वो सारे डेथ हो जाएंगे। और होता ऐसा ही है, चांद सौदागर के सारे बच्चे, जितने भी 6 बेटे थे है ना, डेथ हो गया। चांद सौदागर इस हादसे से बहुत दुखी हो गया। कई साल बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा वो बाला। समझना, बाला वो मूवी वाला बाला मत समझ लेना, बाला। और बाला का शादी होता है बिहुला से। अब देखो अभी अभी आ जाएगा, बिहुला त्योहार भी आ जाएगा, कहाँ मनाया जाता है। बाला का शादी बिहुला से होता है और शादी के रात ही बाला को सर्प दंश से यानी कि सांप काटने से मुक्ति हो जाती है क्योंकि मनसा माँ का श्राप था। तो सोचो कोई स्त्री पे क्या दुख हुआ होगा जिस दिन है ना उसकी शादी होती है और सर्प दंश से है ना उसके पति का मृत्यु हो जाता है। सर्पदंश से उसके पति का मृत्यु हो जाता है तो उन पे क्या बीता होगा। वो क्या करती है ना, वो अपने पति को लेके बेहाल, दुख से बेहाल बिहुला अपने पति के शव को लेके देवलोक की यात्रा पर निकल गई और उनके पति के प्रति ये आस्था देखकर मनसा देवी और अन्य देवी बहुत प्रसन्न हो गई और बाला को जीवित कर दिया जाता है। और इसी दिन से मनसा देवी का पूजा होने लगता है। बिहुला को सद्गुण की प्रतिमा माना जाता है ना। तो इसमें महिलाएं मंजूषा ले निकलती है, मंजूषा मतलब एक बना हुआ पेंटिंग इस तरह को लेके निकलती है, मंजूषा के साथ कलर लेके भी निकलती है। तो विषहरि पूजा जो भागलपुर बिहार के क्षेत्र में होता है, विषहरि पूजा है ना, विषहरि पूजा वो भी इसी स्टोरी से संबंधित है। पूछा जाएगा भागलपुर में नाग पूजा या विषहरि पूजा या आपका बिहुला पूजा किस चित्रकला से संबंधित है, तो बोलोगे मंजूषा चित्रकला से ये सारा चीज संबंधित है। मंजूषा शब्द का अर्थ होता है बक्सा है ना, बक्सा है ना। मंजूषा बांस जूट पायल मंदिर बना के लड़कियां लोग जब त्योहार होता है विषहरि पूजा तो वो एक निकलती है। और इसमें बिहुला की कहानी का चित्रण किया जाता है, ठीक है। आप यहां भी देख रहे होगे शिव नाग है ना, ये मंजूषा ही चित्रण है। तो ये कहानी पे आधारित है, कहानी भी आपको बता दी है। इसमें मुख्य पात्र कौन कौन होते हैं, तो भगवान शिव बनेंगे, नाग बनेंगे, त्रिशूल बनेंगे, बिहुला का कुछ चित्र बनाया जाएगा, चंपा फूल, सांप, शिवलिंग, डमरू, त्रिशूल है ना, हाथी, घोड़ा, तीर, ये सब इस पिक्चर की विशेषताएं हैं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा है ना। बिहुला, बिहुला नाम है, ठीक है, बिहुला पर्व होता है। और अब इस तरह का मंजूषा कला इतिहास की एकमात्र ऐसी कला है जो स्टोरी पे है ना
स्टोरी पे आधारित है और इसके प्रमुख कलाकार चक्रवर्ती देवी, निर्मल देवी, मनोज पंडित, उलुपी झा हैं और वन ऑफ द फेमस ये चित्रकला है हमारा मंजूषा चित्रकला। बताइए आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, सभी को क्लियर है मंजूषा? सब बाला नहीं, बिहुला, बिहुला भागलपुर, बिहुला विषहरी है ना, बिहुला विषहरी ये भागलपुर का है, याद रखोगे ठीक है, और ये इसी कहानी पे आधारित है। गुड मॉर्निंग, क्लियर सभी को समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है थंका शैली, है ना, थंका शैली। थंका शैली से बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। भारत, नेपाली और तिब्बत का अनुपम मिसाल है और ये थंका शैली पूछा जाएगा किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें जातक कथा, जो बौद्ध धर्म की जातक कथा है, और बुद्ध के उपदेशों का चित्रण होता है, बुद्ध के उपदेशों का चित्रण होता है। अब ये स्टोरी यहां से आया कैसे समझो, नेपाल की राजकुमारी थी श्रीकुटी का विवाह तिब्बती राजा गंपो से हुआ था, है ना, गंपो से होने के बाद वो थंका शैली तिब्बत आता है ना, और तिब्बत से आपको नेपाल के क्षेत्र में आएगा, नेपाल के क्षेत्र तिब्बत के क्षेत्र में, और आपको पता है बिहार आपका नेपाल के साथ सटा हुआ एरिया है, तो थंका जो है वो नेपाल से बिहार में आया है, ये हम लोग बोल सकते हैं। व्हाइट तारा थंका आपको तिब्बत में देखने को मिलेगा और यहाँ के थंका शैली में या कहीं के भी थंका शैली में बौद्ध धर्म, बौद्ध के कथाओं, बौद्ध के, है ना, आपको चीजें देखने को मिलेगा, तारा देवी देखने को मिलेगा, तारा तिब्बत जो है तारा देवी प्रमुख देवता आपको देखने को मिलेगा, और सिक्किम में भी थंका शैली है और सिक्किम में एक लहरिया पुरस्कार दिया जाता है, लहरिया पुरस्कार थंका शैली से ही दिया जाता है। तो बेसिकली आपको थंका शैली से यही चीज पूछा जाएगा कि ये कहाँ से आया है ना, तो बेसिकली ये तिब्बत और नेपाल के क्षेत्रों से बिहार में आया है ठीक है, और ये बौद्ध धर्म का एक चित्रण है, यहाँ बुद्ध के उपदेशों को, बुद्ध के पिक्चर को, है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। बिहार के अलावे ये सिक्किम में भी देखने को मिलता है थंका शैली। बटुकेश्वर नाथ श्रीवास्तव, उपेंद्र महारथी और दिनेश बख्शी इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। थंका शैली आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है टिकुली कला, है ना, टिकुली जानते हो ना, जिसको हम लोग बोलते हैं घर में बिंदी, गाना भी गाते हो बिंदिया लगा के, है ना, बिंदी ही बोलते हो ना, माथा में जो लगाते हो छोटा छोटा, है ना, छोटा छोटा जो लगाते हो उसको बिंदी ही बोलते हैं ना आप लोग, है ना, बिंदी ही बोलते हैं। तो ये बिंदी यह लगभग 800 वर्ष पुरानी कला है ना, टिकुली कला लगभग लगभग 800 वर्ष पुरानी कला है, जिसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, तो पटना से होता है, याद रखोगे दो कला, है ना, आगे हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे, एक पटना कलम, है ना, पटना कलम आप लोग पता है, और एक टिकुली कला, इसका स्टार्टिंग जो होता है वो पटना से होता है ना, पटना से शुरू हुआ, और ये कला भारतीय महिलाओं के द्वारा लगाए जाने वाली बिंदु तिकली से है, मतलब स्टार स्टार जैसा, और उसको कपड़ा में बिन बिन के बनाया जाता है, और ये बिहार का एक दुर्लभ कला है। पूछा जाए कि बिहार की कौन सी कला विलुप्त होने की कगार पे है, तो ये है टिकुली कला। पहले लड़कियां लोग बहुत ज्यादा बनाती थी लेकिन अब तो सब भूल गई है ना, तो मुगल टाइम पीरियड में ना इस कला को काफी संरक्षित किया गया था। आजादी के बाद पद्मश्री उपेंद्र महारथी, है ना, पद्मश्री थे उपेंद्र महारथी, उपेंद्र महारथी ने इनको काफी संरक्षित करने का प्रयास किया। 1982 में एशियन गेम हुआ था, पता है एशियाइड गेम, है ना, एशिया गेम जो हुआ था एशियाइड गेम, उसमें ना टिकुली कला का ही चित्र सभी खिलाड़ी को दिया गया था, है ना, मधुबनी पेंटिंग में पद्मश्री जिनको मिला है, जगदम्बा देवी वो भी इसको बढ़ाने का काफी प्रयास किए, है
है ना, काफी प्रयास किए, लेकिन अभी ये कला जो है बिहार की सबसे दुर्लभ कला है, सबसे दुर्लभ कला बोला जाता है, यानी कि एक तरह से विलुप्त होने के कगार पे है, और इसको संरक्षित करने का प्रयास बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है, संरक्षित करने का प्रयास बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है, एक दुर्लभ कला है। ठीक है, तो ये तीन कला आप लोग को समझ में आ गया होगा, छोटा छोटा, टिकुली कला है ना, थंका शैली और मंजूषा। ठीक है, समझ में आ गया, टिकुली है ना, थंका और मंजूषा, और कल हम लोग किए थे आपका मधुबनी, है ना, मधुबनी और पटना कलम से सबसे ज्यादा सवाल आता है, और कल हम लोग करेंगे पटना कलम। तो अब ये इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव सवालों को दें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल को दें, स्टोरी तो बता दिए, जिसमें स्टोरी था स्टोरी बता दिए, टिकुली कला में कोई स्टोरी नहीं आती, स्टोरी नहीं बताए, आप लोग सेशंस को शेयर नहीं करते हैं भाई, सभी को सेशंस को शेयर कर दीजिए, सभी को सेशंस को शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलो अब सवालों को लेते हैं, कुछ सवाल जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसको लेते हैं। हाँ, आर्टिस्ट अशोक कुमार विश्वास टिकुली कला के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, वो पूछ देगा, है ना। पहला सवाल है, बिहार की प्रचलित कौन सी कथा पर आधारित प्रथम चित्रकला माना जाता है, अगर ढंग से सुने होंगे तो ये बता देंगे, सभी कोई कमेंट करके बताएंगे, बिहार में प्रचलित कौन सी कथा आधारित प्रथम चित्रकला माना जाता है, यानी कि स्टोरी पे वो चित्रकला है, स्टोरी बेस्ड पेंटिंग, बिहार का पहला स्टोरी बेस्ड पेंटिंग कौन है, मंजूषा, थंका, मधुबनी, पटना कलम शैली या नन ऑफ द एबव, फटाफट कमेंट करके आंसर देंगे सभी कोई, अदिति, पूजा, प्रमोद, सोनाली, सभी को देंगे आंसर, बिहार में प्रचलित कौन सी कथा आधारित प्रथम चित्रकला माना जाता है। अभी आप लोग पढ़े होंगे मंजूषा पेंटिंग, है ना, मंजूषा पेंटिंग, कहानी भी बता दी आप लोग को, बाला और बिहुला की कहानी है, बाला और बिहुला की कहानी है, बाला और बिहुला, चांद सौदागर, मनसा माँ, विषहरि पूजा, बिहुला पूजा, सब संबंधित इसी से है, दिमाग में रखेंगे, ये सब सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में किस चित्रकला को बौद्ध चित्रकला के नाम से जाना जाता है, बौद्ध चित्रकला को किस नाम से जाना जाता है ना, पटना कलम शैली, मधुबनी चित्रकला, मंजूषा चित्रकला, थंका चित्रकला, है ना, बौद्ध चित्रकला के नाम से किसे जाना जाता है। बौद्ध चित्रकला के नाम से किसे जाना जाता है, क्वेश्चन तो दे दिए हैं नव्या, बौद्ध चित्रकला के नाम से किसे जाना जाता है, बिल्कुल, और थंका है ना, थंका शैली जो है वो बौद्ध चित्रकला से है, और पूछा जाए कहाँ से बिहार में आया है तो बोलोगे नेपाल और तिब्बत के क्षेत्रों से, बिहार के अलावे कहाँ है तो सिक्किम में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग का है, नेक्स्ट सवाल है, मिथिला चित्रकला संस्थान किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, मिथिला चित्रकला संस्थान किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, समस्तीपुर, मिथिला चित्रकला संस्थान किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, मिथिला चित्रकला संस्थान किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, बिल्कुल, थ्री का सही आंसर, सही है आप लोगों का, थ्री का आंसर बिल्कुल सही है, मिथिला चित्रकला संस्थान
किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? फटाफट आंसर देंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, मधुबनी बिल्कुल सही आंसर है। मधुबनी बिल्कुल राइट आंसर है आप लोग सभी का। बिल्कुल, मिथिला चित्रकला संस्थान जो है वो मधुबनी जिले में स्थापित किया जा रहा है, मधुबनी जिले में स्थापित किया जा रहा है। चलिए फटाफट चलते हैं, कुछ सवाल और रह गए हैं। निम्न में किस क्षेत्र में मंजूषा चित्रकला प्रचलित है? मंजूषा पेंटिंग जो है वो किस क्षेत्र में प्रचलित है? मंजूषा चित्रकला किस क्षेत्र में प्रचलित है? दरभंगा, किशनगंज, भागलपुर या कैमूर? आवाज आ रही है नमिल? चलिए फटाफट बताएंगे। गुड मॉर्निंग नीलू, नाहिद, काजल, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, तो निम्नलिखित किस क्षेत्र में मंजूषा चित्रकला प्रचलित है? तो आप बोलोगे सर ये तो भागलपुर में है। बिल्कुल है ना, भागलपुर के क्षेत्रों में विषहरि पूजा भी भागलपुर के क्षेत्र में प्रचलित है। ये सारे के सारे सवाल बीपीएससी या उसके रिलीवेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में बिहार के किस चित्रकला पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है? भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट किस चित्रकला पे जारी किया गया है? पटना कलम, पाल चित्रकला, मधुबनी चित्रकला, मंजूषा चित्रकला या नन ऑफ द एबव? किस चित्रकला पे डाक टिकट जारी किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है ना। और ये है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग पे डाक टिकट जारी किया गया है। मधुबनी पेंटिंग पे डाक टिकट जारी किया गया है। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर सवाल लेते हैं। थंका चित्र शैली, थंका आपको पता है, हम लोग अभी बताए किससे है, बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। जातक कथा का वर्णन, भगवान बुद्ध के चित्र शैली का वर्णन इसमें किया जाता है। तो थंका शैली की 109 चित्र बिहार के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? नवादा संग्रहालय नवादा है ना, पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा, गया संग्रहालय गया, पटना संग्रहालय पटना या नन ऑफ द एबव? तो थंका चित्र शैली की 109 चित्र बिहार के किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? फटाफट आंसर देंगे सभी को, जल्दी से आंसर देंगे। बिल्कुल आंसर देंगे सभी कोई। बिल्कुल, और ये जो हमारा है ये पटना संग्रहालय में सुरक्षित इसको रखा गया, पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया। दो और सवाल है, फटाफट आंसर देंगे, ज्यादा सवाल नहीं है। बिहार में चक्रवर्ती देवी किस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? चक्रवर्ती देवी किस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? मधुबनी पेंटिंग, पटना शैली, मंजूषा शैली या नन ऑफ द एबव? बिहार में चक्रवर्ती देवी किस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? किस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं आप लोग बताएंगे फटाफट। चक्रवर्ती देवी किस शैली के प्रमुख? बहुत अच्छा सरयुग कुमार है ना, चक्रवर्ती देवी जो है आपकी सी सही आंसर होगा। मंजूषा शैली, मंजूषा शैली कहाँ पे का है? तो बोलोगे सर भागलपुर का है ना, भागलपुर का। ऐसे करा देंगे ना, जिंदगी भर सवालों को नहीं भूलोगे। और मधुबनी चित्रकला का संबंध, ये कल क्लास कराएं मधुबनी का आप लोग देख लेंगे। और कल दीपावली है लेकिन कल सुबह का क्लास लेंगे, कल हम लोग करेंगे पटना चित्रकला, बहुत वन ऑफ द फेमस पटना चित्रकला। और सिक्की सिक्की चित्रकला जो है, और जो और एक दो चित्रकला जिसे जीआई टैग मिला है ना, वो सारी चित्रकला के बारे में करेंगे। तो मधुबनी चित्रकला का संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक लोक कला है,
इसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये तीन प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र, अरिपन और आजकल कैनवास पे भी होता है। ऑल ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। आप लोग चित्रकला के अगर सारे वीडियो देख लोगे ना, बिहार के कोई भी एग्जाम में एक भी सवाल आपका रॉन्ग नहीं होगा। ऋषभ वर्धन, दिवाली दिवाली मनाएंगे, हैप्पी वाली दीपावली मनाएंगे। दीपावली सेकेंड हाफ के बाद होगा, आप लोग जुड़ेंगे। और कल बहुत इंपॉर्टेंट, सुबह दिवाली नहीं मनाएंगे। और इसका डी सही आंसर होगा, बिल्कुल डी सही आंसर होगा, सारा का सारा आंसर है। तो हम लोग कितने चित्रकला के बारे में पढ़ चुके हैं, कल के क्लास में हम लोग मधुबनी को बिल्कुल डिटेल में पढ़े, आज हम लोग पढ़े मंजूषा, है ना, मंजूषा चित्रकला पढ़ चुके हैं, मंजूषा के अलावे थंका पढ़ चुके हैं और टिकुली कला पढ़ चुके हैं। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं बिहार में, और इससे संबंधित कुछ सवालों को भी कर चुके हैं। कल हम लोग पटना और जितना भी रेस्ट चित्रकला है सारे को कल खत्म करेंगे। टाइम हमारा यही रहेगा, आज थोड़ा सा लेट हो गया, 11 AM सुबह, है ना, 11 बजे सुबह कल। तो कल दिवाली से पहले यहाँ पे आप लोग जुड़ के जरूर देखेंगे। और सेशन अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कैसा सीरीज, है ना, कैसा लगा आप लोग का सीरीज। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग लड़ाई मत करो कमेंट में। तो आज इतना पे ही क्लास को एंड करते हैं, और कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए, आप लोग जुड़ा करें रेगुलर, ये बहुत बेटर सेशंस बनाएंगे, बहुत बेटर सेशंस बनाएंगे, आप लोग रेगुलर जुड़ा करें। शाम का टॉपिक वही है, 67 बीपीएससी का अभी करा रहे हैं चेतना सिंह। तो अभी थैंक यू सभी को, और अभी चल रहा है दिवाली सक्सेस वाली, नेक्स्ट दिवाली आपका आने तक सक्सेस वाली दिवाली मनाना है। तो आप हमारे बायजूस ऑनलाइन एग्जाम क्लासरूम में जुड़ सकते हैं, जहां पे 25% का ऑफ ले सकते हैं प्री मेंस के कोई भी परीक्षाओं के लिए, बीपीएससी, सीडीपीओ, और ये LIGHT25 कोड का यूज करना है। यहाँ पे मिलेगा लाइव क्लासेस बाय टॉप फैकल्टीज, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, डेली स्टडी प्लान, लेटेस्ट पैटर्न टेस्ट सीरीज, डाउट और भी बहुत कुछ। तो वहाँ हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप लोग वहाँ भी जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल पटना कलम, जो बिहार की, है ना, पटना कलम का जो फेमस कला है बिहार का, उसको पढ़ेंगे। तो हैप्पी छोटी दिवाली, मिलेंगे कल, तो कल दिवाली विश करेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।